मेरा थोड़ा 1.5 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मेरी एक्चुअली प्रोग्राम का रूपरेखा मुझे ज़्यादा पता नहीं थी, नहीं तो मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके आता। मुझे जुबेर भाई का, रियाज भाई का कल फोन आया था कि ऐसे एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम रहता है कि जो जिसको मार्क अच्छे मिले उनका फेलिसिटेशन करने का। लेकिन एक प्रोग्राम देखने के बाद, खास करके चौरसिया फैमिली का देखने के बाद, एक माइंड में वर्ड आया था कि रिवॉल्यूशन कौन करता है। जब हम क्रांति बोलते हैं ना, वो गरीब लोग ही कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी ये, मैं जिस फैमिली से आया हूँ, आपकी जैसी मेरी कॉमन फैमिली थी। मतलब मेरे तो माता पिताजी भी नहीं है। मैं जिस फैमिली से आया हूँ, मैं उसका आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। लेकिन जिस टाइम मैं प्रिपरेशन करता था, उनकी जरूरत थी, उसी टाइम उन्होंने मुझे खो दिया था। वो एक गलत ये था। लेकिन उसके बाद में 6 महीने तक मैं भी टोटली फ्रस्ट्रेशन के स्टेज में था कि मुझे लगता था कि मैं कांस्टेबल भी नहीं बन पाऊंगा। ये मेरे मन में ऐसे विचार आते थे कि मैं कांस्टेबल भी नहीं बन सकता था। लेकिन 6 महीने बाद थोड़ा सा वो स्टेज से बाहर आके मैं डीवाईएसपी बन गया। लेकिन आज ये डीवाईएसपी के फेज में मुझे एक टेंशन आता है कि मेरे से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गलती करने का मुझे डर लगता है, लेकिन जिसके पास कुछ खोने के लिए कुछ नहीं होता, जैसे कि आप छोटे बच्चे हो जो अभी चौरसिया फैमिली है, उनको खोने के लिए कुछ ही नहीं है, तो वही लोग रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये लोगों को, इनको ये जब 12वीं के बाद उनका लाइफ का एक टर्न पॉइंट रहता है, उस पॉइंट में उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी रहता है कि उनको 94% भिवंडी में रहकर उनके फैमिली में 3 लोग खड़ा होने के बाद आमदनी है कि उनका फैमिली रूम ही पैक होता है। उस सिचुएशन में उन्होंने 94% अर्थ लाना, वो बहुत डिफिकल्टी है। मुझे गारंटी है कि ये जो है उनके लाइफ के लिए एक टर्न पॉइंट होगा और बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। वैसे इनका भी मुझे अभी ये आने के बाद मुझे चौरसिया फैमिली का पता चला, शायद ये भी फैमिली बड़ा बनेगी, मुझे उसकी गारंटी और उसका श्रेय ये कार्यक्रम का, जिसका जो भी हमें क्या बोलते हैं कि एक एक पॉइंट ऐड होता है कि ये कार्यक्रम को अगर आपसे 1% भी प्रमोट मिला, प्रोत्साहन मिला, तो आप 99 का 1% होने के बाद ही आप 100% यशस्वी हो जाते हैं। अगर एक कार्यक्रम अगर आपके जीवन में 1% की भी प्रोत्साहन देता है, तो ये कार्यक्रम सक्सेसफुल हो जाता है, ऐसे मैं मान लेता हूँ। मुझे गर्व है आमदार साहब ने का ये जो थीम है प्रोग्राम का, कि अगर सर ने मुझे पहले बता दिया तो मैं पहले से इसमें इन्वॉल्व हो जाता। रियाज भाई ने मुझे 2 दिन पहले बता दिया, लेकिन भिवंडी में मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि शिक्षा क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं कर सकता होगा, ले सकता है। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये कार्यक्रम में बुलाया, ये फेलिसिटेशन करने का मौका दिया। मुझे गर्व लगता है कि मैं कार्यक्रम का एक हिस्सा बन सका। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर एक और स्पेशल गेस्ट जो हमें बैठी है, हमारी एक ही बच्ची बैठी है, सबका वीडियो हो गया है, हमने इसको लास्ट में इसलिए लगा, मालूम है क्योंकि एकदम टॉकेटिव है। इसके लिए जोरदार तालियां जुबे के लिए आप देखा, वो सोच रही मेरा नंबर कब आएगा, लेकिन हमने इसको लास्ट में रखा। राउंड ऑफ जोरदार तालियां इसके लिए। अभी थोड़ा और रुकना है तुमको बेटा, इसके लिए मैंने तुमको इंट्रोड्यूस किया। उसके साथ साथ हमारी सारी लेडीज वॉलंटियर्स यहाँ पर है, और जितने वॉलंटियर्स है, ये प्रोग्राम इन वॉलंटियर्स और मेरी टीम मेंबर्स की फिक्र नहीं हो सकता। मैंने देखा है कि कल आपने हम लोग कितने बजे गए सर, मालूम आपको? हाँ, 4:30 बजे। 4 बजे मैं गया हूँ, कोई 5 बजे गया है, कोई 6 बजे गया है, और उस कुछ लोग तो सुबह गए हैं, वो गया ही नहीं। तो ये बताने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कोई नाम रह जाएगा। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग, बहुत जोरदार। थैंक यू, थैंक यू। That was really very nice, Vaishak, you know, appreciating the heart. The next group of awards.
All right. Goes to the first award in this category, Fatima Muhammad Jafar Ansari. Aisha Fatima Muhammad Jafar Ansari, 88%. SSC Ansari Farid in Girls High School and Junior College. Next award goes to Fatma Khatun Muhammad Azam, 5%, HSC Arts from Ansari Farid in Girls High School and Junior College. Ugly prize B, Ansari Farid Girls High School and Junior College say hey, Zoya Wasiuzama Ansari, 80.17%. HSE Science.